मुसलमान लोग भी जन्नत को मानते हैं। द मुस्लिम्स ऑल्सो बिलीव इन जन्नत। क्रिश्चियन लोग भी पैराडाइज को मानते हैं। द क्रिश्चियंस ऑल्सो बिलीव इन पैराडाइज। हिंदू भी वैकुंठ को मानते हैं। द हिंदूस ऑल्सो बिलीव इन वैकुंठ। तो जरूर हर धर्म से चुनी हुई श्रेष्ठ श्रेष्ठ आत्माएं। सो सर्टेनली द एलिवेटेड सोल्स सिलेक्टेड फ्रॉम एवरी रिलीजन। भगवान की सिखाई हुई नॉलेज जो राजयोग की नॉलेज है वो लेती है। ऑब्टेन द नॉलेज ऑफ राजयोग टॉट बाय गॉड। ग्रहण करती है। दे ग्रास्प इट। पूरी पढ़ाई पढ़ती है और भगवान से राजाई ले लेती। दे स्टडी द कम्प्लीट नॉलेज एंड ऑब्टेन द किंगशिप फ्रॉम गॉड। भगवान आकर के राजयोग का स्कूल खोलता है। गॉड कम्स एंड ओपन्स द स्कूल ऑफ राजयोग। राजयोग की यूनिवर्सिटी खोलता है। ही ओपन्स द यूनिवर्सिटी ऑफ राजयोग। इस यूनिवर्सिटी में राजा बनाने का लक्ष्य दिया जाता है। इन दिस यूनिवर्सिटी द गोल ऑफ मेकिंग यू अ किंग इज गिवन। वो यूनिवर्सिटीज मनुष्यों की होती है। दोज यूनिवर्सिटीज बिलोंग टू द ह्यूमन बींग्स। उनमें एक जन्म की पढ़ाई पढ़ाई जाती है। द नॉलेज फॉर वन बर्थ इज टॉट इन देम। डॉक्टर बन जाओ। बिकम अ डॉक्टर। वकील बन जाओ। इंजीनियर बन जाओ। बिकम एन एडवोकेट। बिकम एन इंजीनियर। ये पढ़ाई पढ़ाते हैं ना। दे टीच दिस नॉलेज डोंट दे। एक जन्म के लिए। इट इज फॉर जस्ट वन बर्थ। वो भी बने बने न बने कुछ पक्का नहीं। दैट टू इट इज नॉट सर्टन whether we will become that or will not become that. और यहाँ तो भगवान बाप गारंटी देते हैं। Whereas here God the Father gives a guarantee कि अगर रेगुलर और पंक्चुअल होकर की ये पढ़ाई पढ़ते रहेंगे। If you keep studying this knowledge regularly and punctually तो मैं तुमको 21 जन्मों की बादशाही देने के लिए आया हूँ। Then I have come to give you the kingship for 21 births. ऐसी बादशाही दे करके जाऊंगा जो कोई तुमसे छीन नहीं सकेगा। आई विल गो आफ्टर गिविंग यू सच अ किंगशिप विच नो वन विल बी एबल टू स्नैच अवे फ्रॉम यू। कोई तुम्हारी राजाई के ऊपर आक्रमण नहीं कर सकेगा। नोबडी विल बी एबल टू अटैक योर किंगशिप। ऐसा सतयुग और त्रेता युग का राम कृष्ण का राज्य दे करके जाता हूँ। I give you such a kingdom of Ram and Krishna of the golden and silver ages and then depart.